417 418 419 420 सरकार कौन है 420? जी मैं हूँ राजाराम नाई। हजामत होगी? राजाराम? हाँ सर, हजामत नहीं होगी। अच्छा सरकार, हजामत को गोली मारिए, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। कसम उस तरह की सरकार, मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं बाहर आता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, मैं बाहर। क्या है राजाराम? सरकार, राम सरकार, सरकार मैं जमुनापुर गया था छोटे सरकार के लिए। ऐसा? क्या हुआ सरकार? वो बड़े लखपति का घराना है। लखपति का? सरकार अपने सेठ कुंदन लाल है ना, कुंदन लाल, अजी सरकार 50,000 दहेज में देंगे। और कसम उस तरह की सरकार, 2 कुर्सियां 2 बग्घियां 2 मोटरें 2 टांगे 2 बाइसिकल 2 गधे नहीं 2 घोड़े। क्या 50,000 दहेज में 2 कोठियां 2 बग्घियां 2 मोटरें 2 बाइसिकलें 2 टांगे और 2 घोड़े। सरकार राजाराम, तूने क्या काम किया बाबा? मगर सरकार वो लड़के को देखना चाहते हैं। तो देख ले, मेरा लड़का कोई कुबड़ा काना थोड़ी है। नहीं सरकार, सरकार वो लड़के को देखने के लिए मेरे साथ आए हैं। सरकार वो कसम उस तरह की, मैंने उन्हें धर्मशाला में ठहरा दिया। ठीक किया ठीक किया सरकार, इस वास्ते आपके पास पहले आ गया कि आप जरा छोटे सरकार को सिखा कर जरा उनको तैयार कर ले। आप तो जानते हैं कि छोटे सरकार बच्चे हैं, तो कहीं बचपन में कुछ उलट फेर कर गए तो अपना बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा। सरकार सरकार, तो कसम उस तरह की छोटे सरकार को बुलाइए ना। अरे अरे शंभू जी, आए सरकार। क्या जल्दी किशन को बुला के लिया? वो तो बाहर गए। बाहर कहाँ गया? वो मुझे पता कर नहीं गए सरकार। अरे तुझे सब कुछ मालूम है, मैं जानता हूँ, तू जानता है, सारी दुनिया जानती है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। बनाने वाले ने रुपया भैया गोल क्यों बनाया, गोल क्यों बनाया भैया, गोल क्यों बनाया। अरे सोच सोच के बुढ़े हो गए, अब तक समझ न आया, अब तक समझ न आया। होए बनाने वाले ने रुपया भैया गोल क्यों बनाया, हो गोल क्यों बनाया। हो इसलिए बनाया भैया गोल रुपया, हो इसलिए बनाया भैया गोल रुपया। हो के चलता रहे जी भैया चलता रहे, रुपया चलता रहे जी भैया चलता रहे। ये तो अपना चलता रहे जी भैया चलता रहे, रुपया चलता रहे जी भैया चलता रहे, रुपया चलता रहे। रुकता नहीं ये लाख कोई रोके, लाख कोई रोके। रह ना सके ये किसी का भी होके, किसी का भी होके। भैया भैया गोल क्यों बनाया, हो गोल क्यों बनाया। हो इसलिए बनाया भैया गोल रुपया, हो के चलता रहे जी भैया चलता रहे, रुपया चलता रहे जी भैया चलता रहे, रुपया चलता रहे। Thank you.
क्या है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल? हाँ। बड़े सरकार वहाँ आपको बुला रहे हैं। बाबूजी बुला रहे हैं? हाँ। तो मेरे रिहर्सल का क्या होगा? ये अभी वादा ही होगा। अजी कहा गए हैं? अजी बहुत काम पड़े हैं उसके सर पर। सारा कामकाज तो वही देखा करता है। वसूली करना, खेती बाड़ी देखो, तो कोई मुसीबत आ जाती है सब उसी को बुला कर ले जाते हैं। माफ कीजिए मैं अभी आता हूँ, सारा दूरा पड़ा हुआ है। चार सौ चार सौ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठे बैठे बैठे। जयराम जी की जी साहब। जयराम जी की। जयराम जी की। बैठिए नमस्ते। अरे आपके पैर में तकलीफ है, बैठिए। नहीं आप लोग कहाँ से आए? जमुनापुर से। ओह जमुनापुर से आए जी, अच्छी बात है। कोई खास काम मेरे यहाँ कुछ? जी हाँ, हमारे सरकार से कुछ शादी के बारे में बातचीत की थी। हाँ जी। बड़ी बात की इच्छा हो तो हो जाएगी, हो जाएगी। आप लोग बैठिए, मैं जरा बाबू जी को बुला लेता हूँ। कब दीजिए बाबू जी? बाबू जी, बाबू जी, जमुनापुर से कुछ लोग आपको देखने आए हैं। अरे मुझे नहीं कह रहे, तुझे ही देखने आए मुझे। अरे आप लोगों गलत फहमी हो गई। बात ये है कि आप लोग मुझे देखने आए थे और मैं समझा कि आप बाबू जी को देखने आए हैं। देखिए ना मैं कितना अच्छा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको नहीं छोटे बाबू को देखने आए? ओ है छोटा, वो तो मैं हूँ। देखिए मुझे यही रह गई, मैं नौटंकी से आ रहा हूँ ना। वहाँ पकौड़ी मन का काम कर रहा हूँ। चलो चलो, अरे कहाँ जा रहे हो आप? बाबू जी, बाबू जी, अरे ये लोग तो चले गए बाबू जी, मुझे देखा तक नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्या हमारा सर चढ़ने गया जो अपनी फूल की बेटी उस बुद्धू के घर वाले? बुद्धू? शंभू जी बुद्धू कौन? बुद्धू यानी अपनी छोटी सरकार को बुद्धू? सरकार कसम उतरे की वो तो हमारे सेठ है, हमारे राजकुमार है। अरे सरकार ये अपनी लकड़ी ले जाइए सरकार। हाँ लकड़ी लेकड़ी। ओहो बहुत मुश्किल में आए हैं। चल 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 चोरे बकरी, ये क्या हरकत की तूने? मैं क्या कह रहा बकरे की तरह? नाटक ना टंकिया, थोड़ी मल पकौड़ी मल में ही जिंदगी गुजार दे। क्या हुआ सरकार? अरे क्या बताऊं राजा राम, बड़ा घोटाला हो गया है। इस लड़के ने तो सारा मामला चौपट कर दिया। मैं जरा उधर हिसाब में फंसा रहा और इसने 50,000 में पाली फेंक दिया। बाबू जी अगर हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं ठीक कर देता। अरे तू कहाँ जा रहा? चल बाहर जाके बैठ कचहरी में। अरे तू कहाँ जा रहा राजा राम? सरकार क्या हजामत होगी? अरे हजामत क्या करेगा, लड़के ने तो पहले ही हजामत कर दी। अरे राम राम भांग के घर में किसी पैदा होता तो अच्छा होता। अरे 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 शंभू, अरे उसको कचहरी में बिठा, उससे सारा हिसाब ले। क्या है ये छोटे सरकार? आइए क्या है, बैठिए बैठिए। लो ये है गंगाराम का खाता। ये है गंगाराम का खाता जी। हिसाब भी तो करने नहीं आता मुझे। देखिए देखिए
ये 25 रुपये 9 आने, 28 रुपये 14 आने। शंभू कल तू शामपुर जा और गंगाराम से कहना तुमने अब तक रुपए नहीं चुकाए, और कल तक अगर रुपए नहीं आए तो कुड़के ले आऊंगा और तुम्हारे घर की एक एक चीज लेना करा दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, अब किसी और को भेज दे। गंगाराम का लड़का बिल्कुल गुंडा है, पिछली बार उसने मेरा हाथ तोड़ दिया था, देखिए अभी तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर को 2 रुपए देने पड़ गए, ना आपने दिए ना उसने दिए। नहीं, मेरी नौकरी ले लीजिए, मगर मुझे वहां नहीं है। सरकार कि आप छोटे सरकार को भेज दीजिए, ये भी तो एक काम ही है सरकार। ठीक कहा राजा राम, ठीक कहा, तू बड़ा होशियार है रे। अरे अरे किसान किसान, अरे तू शाम पूछा, अब मैं अभी चिट्ठी लिख देता हूँ और लिखता हूँ कि मेरा लड़का आ रहा है, उसके हाथ सारे बंधे चुका दो। सरकार जान बची मेरी, तेरी जान मैंने बचाई, ठीक है, लेकिन हड्डी पछली जरा ठीक करके जाना। अबे घबरा मत, बैठ बैठ, जानता नहीं मैं करोड़ी मल का बेटा हूँ। सरकार लेकिन मैं जरा अभी चिट्ठी लिखवा देता हूँ। सरकार आपका सेवक हूँ मैं। सरकार 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 क्या है? एक अर्ज है। क्या है बोल? सरकार अगर आपके रुपए ना दिए तो कुर्की ले आऊंगा। अरे सरकार अगर कुर्की ले जाने पर भी वसूल ना हुए तो? देखिए मेरा ख्याल है। अरे हाँ, तो क्या करूंगा राजा राम? सरकार तो फिर गंगाराम की लड़की लक्ष्मी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बड़ी लड़की? हाँ सरकार, वो जो मैंने आपको मेले में दिखाई थी और उसके बारे में सरकार की बातचीत हो रही थी। ठीक राजा राम, राजा अरे मगर वो तो जवान लड़की है और मैं तो उम्र में पका हुआ। अरे सरकार आपके रुपए भी तो पके हुए हैं और फिर सरकार ये तो शादी हो रही है। सरकार से कहाँ से मिलेगा? सरकार सही सरकार मगर उसे समझाएगा कौन? अरे सरकार ये आपका सेवक राजा राम। अरे राजा राम, राजा राम मेरा हाथ है सरकार, मेरा हाथ है। राजा राम सरकार देख कोई सुन तो नहीं रहा? उधर सरकार कोई नहीं सुनता। अरे राजा राम, वाह 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 वाह। करोड़ी मल की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, क्या लिखा है? वो अपने बेटे को वसूली के लिए भेज रहा है, अगर मैं रुपया अदा नहीं कर सका तो वो कुर्की लेकर आ जाएगा। तुम तो जानते हो ये घर और इसका एक एक बर्तन तक उसके यहां गिरवी है। राजा राम मैं अगर पैसे नहीं दे पाया तो इतनी बड़ी गृहस्थी लेकर कहां जाऊंगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये दिवाली नहीं देख पाऊंगा। दिल ना तोड़िए मालिक, कसम उस तरह की हर गुत्थी को सुलझाने के रास्ते होते हैं। मालिक पैर दबा दो। नहीं राजा राम, शरीर में जान ही नहीं तो हाथ पैर दबाने से क्या फायदा? घर दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं, रात को नींद तक नहीं आती। मगर छोटी की शादी तो आपने तय कर ही दी है। तय तो कर दी है, लड़का गरीब है मगर नेक है। मगर जब तक बड़ी की शादी नहीं होती तब तक छोटी की कैसे कर सकता हूँ? मालिक बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह दूँ। अजी सुनती हो, राजा राम ने एक बात सुझाई है, सब मुसीबतें टल जाएंगी। क्या? राजा राम कह रहा था। बिन्ना जी बेटा तू जरा बाहर हो जा। अच्छा बाबा। हाँ वो कह रहा था कि अगर लक्ष्मी की शादी करोड़ी मल से कर दी जाए। करोड़ी मल से? हाँ, तो वो सब कर्ज माफ कर देगा, ना कुर्की आएगी और ना धन नीलाम होगा। दरअसल उनकी औरत को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, एक लड़का है वो भी किसी काम का नहीं। वो चाहते हैं कि शादी के बाद कोई ऐसा वारिस हो जो इतनी बड़ी मिल्कियत तो संभाल सके। क्या ख्याल है? लक्ष्मी रानी बगर रहेगी। तुम्हें सोच लो, तुम जैसी लड़की को और नहीं छूट रहे। क्या किया जाए, ये चिट्ठी तो तुम्हें सुनाई चुका हूँ। घर की इज्जत बचाने के लिए किसी ना किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी होगी। अच्छा मैं राजा राम से कह देता हूँ, रिश्ता मंजूर है। हाँ बबुआ से कहे के नारियल और 1.25 भिजवा देना। क्या है माँ जी? एक नारियल और 1.25 निकाल कर बबुआ साहब पहुंच गए।
क्या है माँ? ना बेटा अब ये पैसे और नारियल बहुत आदमी को दिया। अरे नारियल कैसा तेरे हाथ में? और ये क्या है साथ में? कुछ नहीं। सच बोल। कुछ नहीं। अरे बोल ना। कुत्ते हैं मगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? तुम जुआ खेलाओगे। मैं जुआ खेलाऊंगा? पापा, पापा, मेरे हाथ से मेरा बाप पैसे ले रहा है। क्या है रे? मेरे बाप ने मेरे हाथ से पैसे लिए। गोपाल पैसे दे दे। पैसे चाहिए मुझे। अरे बेटा ये पैसे तो मैं लक्ष्मी के फलदान के लिए भेज रहा हूँ। राजा राम ने उसकी शादी करोड़ी मल से तय कर दी है। लक्ष्मी की शादी तुम करोड़ी मल जैसे बूढ़े खुशर से कर रहे हो? हाँ। मैं देखता हूँ कैसे करते हो शादी तुम। अरे बेटा तेरी शादी भी तो उसी बूढ़े के पैसे से हुई है। मगर किसने कहा था कि उससे पैसे लेकर मेरी शादी करो? हाँ हाँ, तो तू यही कहेगा ना बच्चों, उसका लड़का आज पैसे की वसूली के लिए आ रहा है समझा, और अगर आज पैसे अदा न किए तो बूढ़ा कल कुर्की लेकर धमकेगा समझा। कुर्की लेके वो कल आएगा, मगर तुम्हें आज तो बुखार क्यों? अरे मुझे बुखार यूँ चढ़ रहा है कि कल को मकान वकान दिखने लगा उस वक्त तू देखता रहेगा। तूने जुए में पाई पाई फूंक दी है, तूने कुछ उसका मुंह अंकाने के लिए रखा है कुछ नहीं, और अब जो बर्तन भाड़े बाकी रह गए हैं उसे भी ठिकाने लगा देना समझा। चल ला पैसे ला, पैसे ला। अरे पैसे रखना। अरे चारा में और रख, चवनी रख, चवनी चवनी भी कर। रुपया लो और जाएगा कुड़की रोक लो। अच्छा ये लो राजा हम 125 रुपया। अरे भगवान नारियल ले। हाँ लाओ मालिक लाओ। कसम उस तरह की मालिक समझिए कि अब आपकी सब भलाएं दूर हो गई। ये लीजिए नारियल। नारियल जी हाँ। अच्छा? और सरकार ये लीजिए 125 रुपया। 125 रुपया सरकार। अच्छा 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर राजा राम बलिए किशन को कैसे समझाएंगे? तो सरकार उनको मैं समझा लूंगा, आप मेरे पर सब बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो बताइए एक छोटे सरकार है कहाँ? अरे शंभू आए सरकार, अभी आए। क्या बात? किशन कहाँ गया? वो तो श्यामपुर गया है ना सरकार वसूली के लिए। श्यामपुर गया है या नौटंकीपुर? नहीं सरकार, मैं तो उन्हें खुद पड़ाव तक छोड़ के आया हूँ, अभी तक वो आधे रास्ते पहुँच गए होंगे सरकार। अच्छा भाई भाई। श्यामपुर, 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 जमुनापुर, गंगापुर। अरे नहीं नहीं गंगापुर इधर तो आ सकता है। हीरापुर। हाँ ये बराबर है। कुछ कह रहा था। हाँ तो सुनो, बात यह है दोस्तों मेरा, भाई तुम क्यों शाबाशी दे रहे हो? तुम आराम से सुनो। Thank you.
मैं आपने क्यों क्यों मुझे बचाया? क्यों बचाया? क्यों बचाया आपने? मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। कुछ दिन मरने से तो यही अच्छा कि मैं अपने हाथों से अपना किस्सा खत्म कर देती। मैं क्यों बचाया? चलो चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाता हूँ। ओह कहो तो फिर बांधू उसी तरह? मैं कहती भाग जाए यहाँ से। भागू क्यों? ये रास्ता किसी के बाप का नहीं है। हाँ भागो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन हकलता है यहाँ से। और फिर बात यह है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह गले में फंदा लगाकर हवा में लटकेंगी। शायद मेरी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? जी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अरे लक्ष्मी बेटी, मैं शादी नहीं करूंगी माँ, मेरे जान चले जाना, फिर भी मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी माँ के लिए और मुसीबतें कम है जो तूने ऐसा सोचा माँ। आप कौन है बाबू जी? जी मैं गुनहगार हूँ। गुनहगार जी? आपकी लड़की इस दरख्त पर फंदा डालकर लटक रही थी, बस मिनटों में राम भरो घराम होने वाला था, इसे बचा लिया, यही है मेरा गुनाह। इसे तुम गुनाह कहते हो बाबू? तुमने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया बेटा। भगवान ने तुम्हें यहाँ भेज दिया बेटा, तुम इस गांव के नहीं मालूम होते। जी नहीं, मैं गंगापुर गांव जी है, यहाँ किसी काम के लिए आया था। तो चलो पहले घर चल, मुँह हाथ धो लो, उसके बाद अपने काम पे चले जाना। जी मैं अपने घर से जब निकला था तो मुंह हाथ धो लिया था, लेकिन अगर आप कहते हैं तो चलिए। कोई बात नहीं, बिमला की माँ घर चलो। चलो बेटी घर चले, बेकार की बातें मन में नहीं लाते। देखा तुमने मरने के लिए सोचा था ना, लेकिन भगवान को ये मंजूरी नहीं था, इसलिए उसने इन बाबूजी को भेज दिया। अब उसकी मर्जी होगी तो कल की मुसीबत के लिए भी वो किसी को भेज देगा। क्या बात है, आप मुझसे कहिए, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी बेटी को मरने से बचा सकता हूँ तो जो आदमी आपको तकलीफ दे रहा है मैं उसका गला भी घोट सकता हूँ। भगवान लंबी उम्र दे बेटा। एक जालिम से लड़के की शादी के लिए कुछ रुपया कर्ज लिया, वक्त पे अदा नहीं कर सके, बस ब्याज में तिगना हो गया। तुम तो सब रामायण यही सुना दोगी, घर ले चलो बाबू को, इत्मीनान से सब कुछ कह दे। नहीं साहब, मैं इत्मीनान से सुनना नहीं चाहता, मैं इसी वक्त सुनना चाहता हूँ। रुपए पैसे कस के नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। कौन है वो कंजूस मत खींचूस? सेठ करोड़ी मल। करोड़ी मल का तो करोड़ी मल, वो तो मेरा वो अजी साहब, वो तो आदमी ऐसा है, करोड़ी मल तो आदमी ऐसा है। लेकिन आप मत घबराइए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच बाबू जी? हाँ। अच्छा घर चलिए। चलिए। दिखने में है गोल गोल। लो बाबू गरम गरम दूध पी लो। दूध? हाँ आप बैठिए, हमारे लिए दूध है, बैठिए। अच्छा ये कह रहा था कि करसे और आपकी लड़की से क्या वास्ता? आपकी लड़की खुदकुशी करने क्यों गई थी? करोड़ी मल ने कहलवा भेजा था कि लक्ष्मी की शादी उससे कर दी गई तो सारा कर्ज माफ कर देगा। अच्छा वो करोड़ी मल कहलवा भेजा था? हाँ बाबू। उसने उस बूढ़े की दुल्हन बनकर डोली पर चढ़ने से उसने अर्थी पर चढ़ना ज्यादा पसंद किया। हाँ ठीक 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 पसंद किया। आपकी लड़की माशाल्लाह बहुत हसीन है, खूबसूरत है, समझदार है, और उस बूढ़े खुजत से जवान लड़की की शादी। काफी बूढ़ा है, 45-50 का तो होगा। आप समझते हैं 45-50 का? जी साहब वो 70 वर्ष का खुसट है। आपने उसे देखा है? अजी साहब मैं तो रोज उसे बाजार में देखता हूँ। बेटा अपने बाबा सुनती हो, जरा बाबू के लिए मिठाई तो ले आओ। बाबूजी आप बैठिए, आप अगर मिठाई ले आएंगे तो मिठाई आएगी भी नहीं। हाँ ये औरतें भी अजीब होती हैं, अब ना जाने क्या क्या बनाने लगी तुम्हारे लिए। अच्छा बेटा तुम बैठो, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। देखिए ना आप तकलीफ न कीजिए, मैं दूधी पी लूंगा। फिर भी शाम होने चली है और तुम्हें काम पर जाना है बेटा,
जी मैं काम नहीं करता, मेरा बाप काम के अच्छी कोई बात है, बैठूंगा मैं यहाँ। भाई साहब, भाई साहब जरा बात तो सुनिए। क्या? ये जो बुड्ढा है ये तुम्हारा कौन है? मेरा पोता है। अच्छा तो ये बुड्ढा तेरा पोता है? हाँ हाँ। ये बुड्ढा तेरा पोता है या तू बुड्ढे का पोता है? नहीं, ये बुड्ढा मेरा पोता है। अरे बाप रे, मालूम तो ऐसी होता है। सच छोड़ इन बात को, तुम्हारा नाम क्या है? बबुआ। बबुआ, अरे वाह, अच्छा बबुआ है। बाप का नाम? गोपाल। गोपाल है? अच्छा, फिर आपका नाम क्या है? फिर मेरा नाम तो किशन है। आपके आपके बाप का नाम क्या है? हमारे बाप का नाम करो नहीं, हमारा बाप का नाम इस घर में नहीं बोल सकता। अच्छा अच्छा, फिर पहली बता। हाँ बताओ बताओ, सुनाओ सुनाओ। दिखने है गोल गोल। दिखने में है गोल गोल, सबका करे मोल। अच्छा, अकले जिसके हुए पास। अच्छा, न रहे तो रहे उदास। न रहे तो उदास, हाँ ठीक है। कोई कोई समझे उसको राम। राम देखे झुके, देखे झुके करे सलाम। बनते बनते जी से सारे काम बतला दो का अरे रुपया रुपया विराट पाओ नहीं रहे इतनी। अच्छा अभी अब मैं सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ, सुनो कान खुल के। बिन आगे के आग लगैया, बिन पानी के प्यास बुझैया, बदले जिसको पाके बहना, बदले जिसको पाके भैया, बदले जिसको पाके पापा, बदले जिसको पाके मैया, बेटा बदली पे टैप। बेटा बदले, बेटी बदले, बदले दोनों लोग लुगैया, वो दोनों क्या है तुम कहो भैया? रुपया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये भैया क्या बोल रहे हैं भाई? अरे तू आ गया रुपए वसूल ले। मैं रुपए देता हूँ तुझे, रुपए गिन के खड़ा हो। अरे भाई दूध पी लेने दो। यहाँ दूध पिया तेरा बाप, हम लोग का खून पिला। अरे यही है वो सांप का बच्चा, बोल यही सांप का बच्चा है ना? अरे ये वो नहीं है, तो मेहमान बाबू है। तुम्हारी बहन तालाब के पास गले में फंदा डाल के लटकी हुई थी, इन्होंने इसकी जान बचाई। कमाल कहीं का। शाबाश, माफी माफी किस चीज की? अरे अनजाने में दो चार हाथ लग गए तो माफी की क्या जरूरत है? तुम्हें कहा मैंने जान के मारा है? नहीं नहीं नहीं, खत्म। रही दूध की बात तो एक दो चार गिलास इकट्ठे पिला दो। बाबू ने कमाल है। अच्छा, मैं उसके तरफ से माफी मांग लेता हूँ। बाबा बाबूजी, मैंने माफी तो दे दी है, लेकिन अगर आसपास में कोई डॉक्टर होगा उसे बुलाना, क्योंकि मेरे हर्ष लक्ष्मी जी। बाबूजी बेटा गरम गरम दूध तो ले आओ बाबूजी के लिए। अच्छा जरा जल्दी भेज दो, समझी? आओ बेटा बैठो बैठो। क्या बेटा बहुत दर्द है? बहुत दर्द है जी, बहुत दर्द। तो बाबू मैं क्या कह रहा था आपसे? वो आप कुछ बुढ़े के बारे में कुछ बोल रहे थे। यही मुसीबत सामने खड़ी है, लड़की शादी करने को तैयार नहीं। लड़की? लाओ बेटी। लड़की क्यों घबराते? कितने पैसे देने हैं? सिर्फ 2000 बस। अरे साहब वो मैं दे दूंगा, आप क्यों घबराते हैं? देखिए अगर उसका कोई आदमी आ जाए, वही राजा राम आएगा। वो हजाम। अच्छा अगर वो आ गया, अगर वो आ गया तो उसे कह देना कि आज से 7वें दिन तक उसकी एक एक पाई अलग कर दी जाएगी। शायद बाबू। हाँ बाबू। तुम बड़े बने हो बाबू। बाबू जी अजी सुनती हो? मैं तो सुन रही हूँ, आप भी तो सुनो। अच्छा अच्छा मैं आया। लक्ष्मी की माँ कह रही है कि क्या कह रही हो बाबू? ओह आप कहीं हो रही है, लक्ष्मी की माँ को क्या तकलीफ है? उनको कोई तकलीफ नहीं, वो कह रही है कि तुम्हारे इन उपकारों का बदला। देखिए साहब ये उपकार उपकार की बातें छोड़ दीजिए, मुझे रुपए पैसों से सख्त नफरत है। रुपए पैसों की बात नहीं है बाबू, तुम हमें इतना गिरा हुआ मत समझो, और तुम्हारे उपकारों का बदला क्या हम रुपए पैसे से देंगे?
और फिर हम तो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हैं। अगर तुम मंजूर करो तो हम अपनी लक्ष्मी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दें। ओ लक्ष्मी का, लक्ष्मी का हाथ, यानी लक्ष्मी का हाथ मेरे हाथ में और मेरा हाथ लक्ष्मी के हाथ में। हाँ, देखिए ये तो शादी का मामला हो गया है। मैंने लक्ष्मी की शादी तुमसे। देखिए ना, ये बात तो ठीक है। आप ये कैसा कह सकते हैं कि अगर लक्ष्मी की शादी आप मुझसे तय कर दें तो लड़की दोबारा नदी किनारे जाकर दरख्त फंका देकर ये लटक जाए। कितने खुश मिजाज है बाबू। अगर तुम जैसा हीरा लड़के से मुंह मोड़ेंगे तो मैं खुद उसके गले में फंका डाल के लटका दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये काम आप मत कीजिए, मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लक्ष्मी बाबू जा रहे हैं, नमस्ते तो करिए। चलो ना दीदी। बाबू दीदी कहती है नमस्ते। नमस्ते। हम तुमको नहीं समझते। नहीं समझते तो हम भी तुमको नहीं समझते। तुम जाओ अपने रास्ते, हम जाते अपने रास्ते। नमस्ते। 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 थोड़ी देर और बैठो, चले तो जाओगे, इतना बता के जाना फिर कब आओगे। थोड़ी देर और बैठो, चले तो जाओगे, इतना बता के जाना फिर कब आओगे। थोड़ी देर और बैठो। पहले पहले के तुमसे ये मुलाकात है, कैसे कहूंगी मैं जो कहने की बात है। फिर भी जरा तो ठहरो, पल भर का साथ है। थोड़ी देर और बैठो, चले ही तो जाओगे, इतना बता के जाना कब आओगे। थोड़ी देर और बैठो। कहते हैं कि आज से सातवें दिन तक आपकी एक एक पाई अदा कर देंगे। सातवें दिन क्यों? अगर अदा करना है तो कल ही कर दो कहना, नहीं तो मैं परसों कुर्की लेकर के जाऊंगा। शंभू, ओए शंभू, तू मेरे को बुला के ला। परसों गंगाराम के घर कुर्की लेकर के जाना है। तो सरकार मैं नहीं जाऊंगा। क्यों रे, तू क्यों घबराता है? साथ में पुलिस होगी और देखता हूँ अगर किसी ने चीजा पर किया तो एक एक को जेल में ठूस दूंगा। कसम उस तरह की सरकार आप बजा फरमाते हैं बाबू जी। बाबू जी आप माफ कीजिए, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सात दिन की मोहलत लिख कर दी है उनको। सात दिन की मोहलत लिख के दी? सात दिन की मोहलत लिख करके देने वाला तू कौन होता है? जल्दी आओ काम करने। बाबू जी एक हजार चार सौ बीस अगर आपकी आज्ञा हो तो ये बात मैं फिर दोबारा छेड़ू। नहीं पर बाबू जी मैंने क्या कसूर किया है? आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? छोटे बाबू का समझाइए तो उनको। ठीक है बाबू जी, इसने क्या कसूर किया है बेचारा, ये तो बेकसूर है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। क्या कहा आपने?
हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, कैसी बात कर रहे हैं? मैं समझूंगा ऐसा नालायक बेटा पैदा ही नहीं हुआ, 1420। ये बात है तो मैं भी समझूंगा कि ऐसा बाप। क्या कर रहे हो छोटे बाबू? पिताजी हैं। पिताजी हुआ तो क्या हुआ? पिताजी 1420। सेठ जी है? सेठ जी नहीं है तो? नहीं नहीं, ये रुपए देने आया था। रुपए देने आया था? जो लक्ष्मी का ध्यान कर रहे हैं। कितने रुपए? 100 सूत के और 10 मूल के। अच्छा, 110 और ये ऊपर के 1.25। अरे ला ला ला, मुझे दे दे, उन्होंने कहा था कि वो दीनानाथ आएगा तो उससे पैसे ले लेना। दीनानाथ? हाँ, दीनानाथ नहीं, मेरा नाम परमानंद है। अरे परमानंद से दीनानाथ दोनों भगवान के नाम है, काहे उड़ाता है? अरे शंभू जरा इसको जाओ। रसीद दो। रसीद दो। पैसे किधर है? पैसे? हाँ है। छोटे बाबू, छोटे बाबू, ठीक है ठीक है। राजा राम सरकार, बाप की लाखों की कमाई बेटे के हाथ आई। कितनी आए सरकार? 110 रुपया 1.25। अरे राजा राम कहाँ ले जा रहा मुझे? अरे सरकार डर लगता है। अरे सरकार यही वो जगह है जहाँ 1 के 1000 बनते हैं। हाँ आइए आइए आइए। कैसी कैसी शक्ल वाले आदमी लोग हैं सरकार, आइए ना, कसम उससे कितने बड़ी चीज है ये। राजा राम सरकार, अरे यार ये तो 2000 से भी ज्यादा है। राजा राम सरकार, आज मैंने किसी अच्छे आदमी का मुंह देखा है। सरकार मेरा मुंह देखा हुआ? हाँ, तेरा नहीं किसी और अच्छे आदमी का, इसलिए मैं आज इतने रुपए जीत गया हूँ। कितने रुपए जीत गया हूँ? अरे
राजा राम, किसी ने मेरा जेब काट लिया। सरकार सरकार सरकार, अंदर मत जाइए, वहाँ जान का खतरा है। बुजुर्गों ने सच कहा है, कसम उसने कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। तू तो ले गया था मुझे अंदर, जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कोई बात नहीं, कुछ तरकीब सोचनी चाहिए। सोचे सोच लिया, सोच लिया। मुझे तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। छोड़ो सरकार, छोड़ो सरकार। तो किशन मेले में जाकर नौटंकी करेगा। हाँ सरकार, मैं यही आपसे कहने के लिए आया था। सरकार आपने मुझे निकाल दिया था, लेकिन कसम उस तरह की सरकार, मैंने आपका नमक खाया है, मुझसे आपकी बुराई नहीं सुनी जाती। सरकार देखिए ना, आप ख्याल फरमाइए कि सेठ करोड़ी मल का लड़का नौटंकी में नाचेगा। अच्छा हुआ तुमने आकर मुझे खबर की। उन नौटंकी वालों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। जिस दिन से घर यहाँ पे गया है वो अब तक लौट करके नहीं आया। देखता हूँ वो बिहारी का बच्चा कैसे नौटंकी करता है। तू एक काम कर, तू बजरंग पहलवान को मेरे पास भेज दे। टंकी में अंडे और टमाटर फेंक करवाने वाले। अरे तो मारा क्या कर रही हो, अंदर आओ ना। अंदर आओ, अब क्या होगा किसी बाबू से? नहीं होगा दादा, तुम मत घबराओ। अच्छा जरा फिर से बोलना तो देखें। सेठ जी हमारी नौटंकी में अंडे और टमाटर फेंकवाने वाले हैं। ऐसा तुमसे किसने कहा? इनके फिक्र मत करो, जाओ तुम लोग जल्दी से कपड़े बदल लो। देखो चलो उठो 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 चलो। बोले मुन्ना, ओ बोले मुन्ना, दुनिया में है कौन सबसे ज्यादा परेशान? आप 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 और नहीं तो आपके बाप। हाँ समझे ना। हाँ ये था वो बाप परेशान है जी बाप परेशान, वो बाप परेशान है जी बाप परेशान। जिनके घर में छोकरियां हों जी जवान, हों जी जवान। वो बाप परेशान है जी बाप परेशान, वो बाप परेशान है जी बाप परेशान। और जिसके घर में छोकरियां हों जी जवान, हों जी जवान। छोकरियां हैं आफत की छोकरियां हैं, वो जाने का दो होगा इनका पार्सल, वो यानी कन्यादान। वो बाप परेशान है जी बाप परेशान, वो बाप परेशान है जी बाप परेशान। जिसके घर में छोकरियां होवे जी जवान, होवे जी जवान। एक रात जाऊंगा मैं तुझको, सबको यहाँ बुलाओ, सुझाओ सुझाओ सबको यहाँ बुलाओ। ए जी छोकरियो तुम आओ 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 आओ। एक दो तीन चार, चारों पे निखार बाबा, चारों पे निखार, चारों पे निखार बाबा, चारों पे निखार। गुलशन में बहार आई, गुलशन में बहार, गुलशन में बहार आई, गुलशन में बहार। अपना नाम बताओ, अपना अपना नाम। ओ मैं कमला हूँ जी, ओ मैं बिमला हूँ जी, ओ मैं सरला हूँ जी, ओ मैं अजला हूँ जी, ओ मैं कमला हूँ जी, बिमला हूँ जी, सरला हूँ जी, अजला हूँ जी। ओ बाबा इनसे पूछो, इनको कैसा वर पसंद है, एक एक से पूछो कैसा वर पसंद है।
सुन ले मेरे भाई, तू सुन ले मेरे भाई, वो काला काला झूमड़ रखा तिरछी टोपी वाला, वो दिखने में है लाला मगर है बड़ा दिल वाला, इसको ये पसंद है। ओ बोलो बेटा बिमला तुमको कैसा वर पसंद है, हो गोरा हो या काला हो ना दारू पीने वाला हो, गोरा हो या काला हो ना दारू पीने वाला हो, चौराहे पर होवे जिसकी चाट की दुकान, चाट की दुकान हो चाट की दुकान, इसको चाट पसंद है। हो कांदे है वो गमछा डाले, जाकर उसे मना ले, तू जाकर उसे मना ले। मेरे मन भाया जी तू तोरे सवरिया, मेरे मन भाया जी तू तोरे सवरिया, चल मेरे साथ चल मेरी रे नजरिया, चल मेरे साथ चल मेरी रे नजरिया। बाजे हैं जहाँ पे प्रीत की पसरिया, चल मेरे साथ चल मेरी रे नजरिया, चल मेरे साथ चल मेरी रे नजरिया। ओ बोलो बेटा सरला तुमको कैसा वर पसंद है, वो जिस घर में ना साफ सुथर हो ना हो नंदी छोटी, बन घर पे चैन से खाऊं रूखी सूखी रोटी, लेकिन सैया वो जवान चले गाँव में दिला कान। भाई ऐसा तो जवान खड़ा है वह मुझे तान हो तान तान तान। ओ बोलो बेटा अचला तुमको कैसा वर पसंद है, हो बुढ़ा हो जवान लेकिन होवे धनवान, गाड़ी होवे घोड़ा होवे होवे जी मकान, हो रुपयों की दुकान, जब मैं रूठूं मुझको मनाए, चंग चंग रोए और चंग चंग गाए, मेरे एक सारे पर जान करे कुर्बान। भाई ऐसा तो है एक ही दे नाच, गरीब परिंदों पर जो बनकर टूटता है बाग, वो बुड्ढा वो खड़ा है। रह, रह। सत्रह 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 पाँच बावी 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 पाँच सत्ताईस सत्ताईस जहाँ जय किशन भैया, आपको तो 2000 की जरूरत थी, अरे यहाँ तो 3000 से भी ज्यादा आ गए। बिहारी दादा ये तो सब आप लोगों की मेहरबानी है। हाँ, ठीक है ठीक है, बस शुरू कर दो शादी की तैयारी और बजने दो सहनाई और देखो हाँ वहाँ भी चिट्ठी लिख दो कि बारात लेकर आते हैं। लक्ष्मी की शादी किसी रईस नौजवान लड़के से हो रही है। हाँ सरकार, और सुना है कि कल वो बारात लेकर जा रहा है। कल
कौन है वो लड़का? अजी सरकार, बहुत घुमाया फिराया, बहुत कुछ पूछा, लेकिन कसम उस तरह की नाम का पता नहीं चला। और सरकार, सुना है कि आपके 2000 रुपए भी वही देने वाला है। अरे जाके, ऐसा कौन है आसपास के गांव में जो मेरे 2000 रुपए एक रकम चुका दे? वैसे मैं कुर्की लेकर तो जा ही रहा हूँ, साथ में पुलिस भी होगी। अरे वहाँ बारात पहुँचने से पहले मैं उसके घर की एक एक चीज बिकवा दूंगा। वो समझता क्या है, मेरा नाम करौली मल है, करौली मल। कितनी अच्छी लग रही है मामा, नजर नहीं लगा देना मेरे किसी को। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो, अभी आती ही होगी। राजाराम देखना, एक चीज बाहर निकालना। और गंगाराम जानता है कि तेरा मकान भी मेरे पास गिरवी रखता है, जी। इसे भी खाली कर दे, अभी खाली कर दे, इसी वक्त खाली कर दे। जल्दी दया करो। नहीं नहीं, सोच लो सोच लो, मैं इसके लिए अभी भी तैयार हूँ। इतना रुपया कीजिए सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। अरे छोड़ मेरा भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी। मैं नहीं जानता तेरी इज्जत। लड़की का था, लड़की की शादी में खानदान की इज्जत बचाने के लिए घर की एक चीज बेच देता है, और आप कहते हैं मैं अपनी लड़की को बेच दूं? ये कभी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तेरी इज्जत आकर कौन बचाता है? और मेरे 2000 रुपए इसी वक्त मुझे आकर चुकाता है।
जलील करने के लिए। गंगाराम, अरे तूने मेरे बेटे को फंसाकर मेरे मुंह पर वो कसके जूता मारा है, मगर याद रख ये करोड़ी वाल तुझसे बदला लिए बगैर कहीं नहीं रहेगा। तो क्या किशन बाबू आपके बेटे हैं? आप नहीं तो क्या, तेरा बेटा है। हाँ, बड़े सरकार के बेटे हैं अपने। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे इनको अपना बाप कहते हो शर्म आती है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो किशन बाबू, आखिर को तुम्हारे बाप है। करोड़ी वाल जी, गुस्सा थूक दीजिए, अब तो आप हमारे संगी हो गए। इस शुभगढ़ी पर आपका आना बहुत ही अच्छा हुआ। चलिए अंदर भी जाए। चुनाव जी, तुम क्या समझते हो, मेरा बेटा दुला बनकर आया इसलिए मैं अपने रुपए छोड़ दूंगा। अभी मेरा मकान खाली कर दो, शाम से हमारे बाहर निकालो। चलो तुम्हारे 2000। बाबू जी, अच्छी बात है, मैं आपका बेटा नहीं, लेकिन ये तो आपकी ये कौन है? ये आपकी बहू है। ये मेरी कोई बहू नहीं, ये आपसे आशीर्वाद मांगने आई है। आशीर्वाद मांग, मैं किसी को आशीर्वाद नहीं देता। बाबू जी, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं किसी को माफी नहीं देता। अरे सुनिए, सुनिए तो कुछ कह रही है, बोल बोल। सुनिए क्या है, देखो कुछ कह रही है। बाबू जी, क्या है? लेकिन ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाओ, इतनी बड़ी दुनिया कह रही है, जाओ जाए। बाबू जी, भगवान जाने क्या चाहते हैं। अरे इनको क्या चाहिए, इनको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। बाबू जी, रुपया चाहिए 4400। बाबू जी, 4420। बदमाश करिएगा, भगवान किसी को बाप दे तो ऐसा ना दे। अब कहाँ जाएंगे? सुना नहीं तुमने, इतनी बड़ी दुनिया है। चलो ठीक है छोटे सरकार। ठीक है छोटे सरकार, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मेरा भी एक छोटा सा घर, वो किस काम आएगा? अच्छा चलो भाभी, चलो कुछ दिन मेरे यहाँ चल करो। चल शंभू, तो तुम्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम घबराओ नहीं, हम लोग थोड़े दिन बिहारी दादा के यहाँ ठहर जाते हैं, फिर उसके बाद भगवान के हाथ में। अच्छा मैं जाती हूँ। लक्ष्मी, मैं बात कर रहा हूँ। क्या? हाँ देखो, हम लोग कल मिले और आज हमारा ब्याह हो गया। हम लोग कितने हैं? बोलो ना बाबा, ऐसा क्या? इस रात दिवाली कैसी, इस रात उजाला ये कैसा, कैसा उजियाला छाया है इस रात दिवाली कैसी, ये कैसा उजियाला छाया है इस रात दिवाली कैसी, ये कैसा उजियाला छाया है। कुछ बात नहीं ऐसी वैसी, मेहमान कोई घर आया है, घर आया है मेहमान कोई घर आया है, ये बात तो हम भी जाने हैं। मेहमान कोई घर आया है, ये बात तो हम भी जाने हैं। सच बात नहीं क्यों कहते हो कि चांद उतर कर आया है, घर आया है हो कि चांद उतर कर आया लेंगे।
जाके अभी तुम कह दो उनसे चांद अभी शर्माया है जी, चांद अभी शर्माया है जी। तो दुनिया वालों जाओ यहाँ से, चांद अभी शर्माया है, शर्माया है। जाओ यहाँ से, चांद अभी अलसाया है, अलसाया है। मैंने कहा मैं घर में पूछकर बताऊंगा। वो तो लक्ष्मी के बाद अच्छे तेजो का मिल गया। अरे ना नेग ना दहेज, शादी कैसे हो गई पता भी नहीं चला। और उसके जो 2000 रुपए हैं सो दे देंगे। लेकिन राजू के बाप तो दहेज भी चाहते हैं और जल्दी भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं लड़का हाथ से निकल ना जाए। तो फिर ठीक है, आती पूनम को मंगनी कर दो, बात पक्की होते ही हम समझा लेंगे। और फिर मंगनी होने के बाद कोई रिश्ता तोड़ता भी नहीं। ठीक कहती हो गोपाल की माँ, लेकिन मंगनी में लक्ष्मी और किशन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, गोपाल से खत लिखवा देता हूँ। गोपाल, ओ गोपाल, मेरे बाप आ गए। बाहर गया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कहाँ गया है। ये लड़का काम से गया, घर में एक मिनट नहीं रहता, दिन रात जुआ खेलता है आवारा कनिका। खैर कोई बात नहीं, मैं किशन को चिट्ठी लिख देता हूँ। अरे बाबुआ बेटा, कागज कलम तो लिया। आओ बहू। किसकी चिट्ठी है? मालूम होता तुम्हारे घर से आई है। मेरे घर से? पढ़ा तक नहीं जाता, तुम्हारे घर के लोग को चिट्ठी लिखने भी नहीं आता है। सुनो तो, क्या बाबूजी ने हम दोनों को बुलाया है। क्यों? चुनला की मंगनी होने वाली है। मंगनी? मंगनी ये मंगनी क्या होता है? मंगनी नहीं जानते? आ, अरे शादी से पहले मंगनी हुआ करती है। अच्छा? हाँ। सुनो तो, हमारी मंगनी कब हुई थी? वही तो थी। कब? पहले दिन उस रस्से वाले पेट। अच्छा, उसे कहते हैं मंगनी। और क्या? अरे वो तो हमारे आपस में हो गई थी, अब हमारी जाने की क्या जरूरत है, उनकी मंगनी भी होने दो ना आपस है। वैसे उनकी मंगनी तो बहुत पहले हो चुकी है। ऐसा? हाँ। मालूम होता है ये तुम्हारी खानदानी रीत है। क्या कहा? मतलब ये है कि तुम्हारी घर की लड़कियों की मंगनी आपस में हो जाती है। देखो जी, अगर आपने मेरे खानदान को बुरा भला कहा तो हाँ। बैठो, तुम मेरे खानदान को बुरा भला कह दो, झगड़ती क्यों हो? अच्छा मजाक छोड़ो,
और अब चलने की तैयारी करो। चल। डिब्बा देख ले तो लोग कहेंगे कि हम लोग चोर हैं। चलो हम। अरे नहीं, ये तो हमारे हैं। अगर किसी के होते तो संभाल कर रखता। अरे तो ये रास्ते में मिले हैं, भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं, बिल्कुल हमारे लिए भेजे। क्या तुम खुश नहीं? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। सच में हमारे दिन बदल गए। बिल्कुल हमारे दिन बदल गए। नहीं। किसी से कहना नहीं, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। राम राम मालिक, राम राम मालिक, राम राम, राम राम। तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ जी, मैं आपके ससुराल जा रहा हूँ। आप भी तो वहीं जा रहे हैं ना, बेटी बिमला की सगाई में? हम वहीं जा रहे हैं बाबू जी। डब्बा ही नहीं, नहीं बाबू जी, मालूम होता है आप मुझ पर बहुत गुस्सा है। देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा काम है सबको खुश रखना। अरे राजा राम, हम बहुत खुश है। आप खुश है ना? देखिए मेरा काम है हजामत करना, ठीक है? ऐसे बड़े सेठ जी मेरे सेठ जी हैं, वैसे आप सेठ जी हैं, वैसे गंगा राम जी सेठ हैं, वैसे बदतमीज कहीं का। चलो चलो। अच्छा वो चले गया उसके बाद? हाँ ये डब्बा ये क्या क्या गुल खिलाएगा। आइए आइए बनवारी लाल जी, आइए 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 लाल जी, बड़ी कृपा की आपकी। हम लोग वहाँ छोटे सर आ गए। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, लोग आदेश हैं तुम्हारे। अजीत लक्ष्मी आ गई। आ गई तो कितनी देर लगा दी तूने? ये क्या है, बिमला कहाँ है? अच्छा समझ गए, बिमला के लिए कुछ लाई है। जा कब से तेरी राह देख रही है। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। ये क्या है? ये कुछ नहीं। अच्छा बता तो राजू कहाँ हो? छोड़ो ना दीदी, शर्म आ गई। मैं अभी आती की माँ, अरे चीज तो ले आओ।
आपकी तकलीफ है। अरे क्या है? कुछ नहीं, वो ही हुई है। क्या बात है? इसलिए बुलाया था कि तुम तो अभी चले जाओगे, फिर बात भी नहीं हो सकती। अरे लक्ष्मी, ऐसी क्या बातें कर रही हो? ये डब्बा हम लिए कहाँ कहाँ घूमेंगे? मैं यहाँ रह जाती हूँ, जैसे घर का इंतजाम हो जाए मुझे बुला लेना, मैं डब्बा लेकर आ जाऊंगी। हाँ? फिर भी डिब्बा कहाँ रखा? यही रख दिया है, मैं संभाल कर रख दूँ। अरे तुम ऐसा करो ना, तुम अपनी माँ के पास रख दो, वो अच्छा संभालेगी। भाभी को मालूम हो जाएगा, भाभी को मालूम हुआ तो गोपाल भैया को मालूम हो जाएगा, गोपाल भैया को मालूम हुआ तो पूरा डब्बा जुए खाने पर पहुंच जाएगा। है जुआ? लक्ष्मी लक्ष्मी, तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। मुझे जल्दी बुला लेना। मैं तुम्हें जल्दी बुला लूंगा, घर मिलते ही तुम्हें बुला लूंगा। देखो हमें भी तो तुम्हारा इंतजार होगा ना। अच्छा लक्ष्मी, नमस्ते। क्या बन रहा है बबुआ की माँ? देख भगवान, कुछ पैसे वैसे हो तो जरा निकाल दे, तू बाजी में सब हार गया मैं। हैं? क्यों? अब मेरे पास क्या धरा है? एक अंगूठी थी, वो भी ठिकाने से लगा दी। अरे तू अंगूठी भी वापस आ जाएगी भगवान, और तेरे जेवर भी वापस आ जाएंगे। अपनी किस्मत जो है वो आखिरी दांव में चेतती है, क्या समझी? कुछ छिपा वपा के रखा हो तो निकाल दे। क्यों? कह तो दिया कि अब नहीं है। ओफो, तेरा पारा तो बहुत चढ़ा हुआ है। खैर तो फिर मैं अपने आप ही बंदोबस्त कुछ कर लूं। क्यों? वाह अच्छा भाई। बोरी में भर के वो टूटे फूटे डिब्बे थे ना, उनमें से कुछ ले गए हैं। हाँ जुए में जरूरत पड़ गई होगी, और कुछ न मिला तो डब्बे ही सही। आवारा कहीं का। नोट कितने होते?
ठीक 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 बहु कह रहे थे गोपाल को डब्बे नशे गया इसी में चला गया होगा। मुझे मैं डिब्बे बेच गया हूँ कहाँ रखे उसे एक डिब्बे में बहुत जरूरी कागज थे अब देख लो ये पड़े ये दिया डिब्बा जो मैंने थोड़ी देर पहले मैं अंदर गया था अच्छा मुन्ना बैठा था दुकान में कौन उसने मुन्ना अच्छा उसने अगर किसी को बेचा हो तो कुछ पता नहीं अरे तो बुलाओ जल्दी मुन्ने को और पूछो अच्छा बुलाओ मुन्ना मुन्ना अरे ओ मुन्ना अबे मुन्ने के बच्चे बाहरा क्या है बापूजी अरे बेटा जब तू दुकान में बैठा था उस पर किसी को डब्बा तो नहीं बेचा दो डब्बे बेचे थे मैंने एक तो चमेली बाई के नौकर चमेली बाई के नौकर कौन अबे जल्दी सोचना नाम तो मुझे मालूम नहीं मियाँ बीवी दोनों साथ थे कौन थे सोचो बेटा मैं मिठाई के लिए पैसे दूंगा मिठाई के लिए पैसे मियाँ की बड़ी बड़ी मूछें थी और बीवी दुपट्टा डाले हुई थी बीवी की बड़ी बड़ी मूछें थी और मियाँ दुपट्टा डाले हुए बीवी की बड़ी बड़ी मूछें नहीं थी मियाँ की बड़ी बड़ी मूछें थी मैं जाता हूँ चमेली भाई हट बैठ तो मैं भी चलता हूँ अरे मेरे मिठाई के पैसे दे जा मैं भी आता हूँ कहीं पतंग दिल की
ये सरकार क्या सुनिएगा, दादरा या ठुमरी? न दादरा न ठुमरी, हम तो एक जरूरी काम से आए। जरूरी काम? जी। अरे बाबू जी आया, जरा इनसे बात कर लेना। बाबूजी, आपके यहाँ का कुछ होकर पनवारी लाल के यहाँ से एक डिब्बा ले आया है, उसमें हमारे कुछ जरूरी कागजात आए गए हैं। लेकर तो जरूर आया था, सुभान अल्लाह, मगर बाई जी को पसंद नहीं आया, बाई जी ने उसे दे दिए। तो वो ले गया। अजी कहाँ रहता है? स्कूल के पास। सफाई कुल कुछ नहीं मास्टर जी, ये तो बाजार है क्या? जी नहीं मास्टर जी, जरा कल्लो को भेज दीजिए। कल्लो? जी हाँ कल्लो, उसके पिताजी ने उसको फौरन बुलाया। यहाँ कर लो, यहाँ बेटा कर लो, यहाँ वो जो तेरे पास डब्बा था ना, जो तुझे तेरी माँ ने दिया था, वो कहाँ है? वो तो राम ने ले लिया था। रामू कौन बेटा? वो कहाँ रहता है? सराय के पीछे। अरे बेटा, सराय के पीछे तो 375 लोग रहते हैं, वो कहाँ रहता है? मुझे क्या मालूम। तुम कर लो, अभी मैं फोन नहीं कर रहा हूँ। रामू क्यों पुकार रहे हो? तुम रामू को जानते हो? हाँ हाँ, रामू तो मेरा बेटा है। तुमने उनके हाथ में कोई डब्बा तो नहीं देखा? हाँ देखा था। वो क्या तुम्हारा था? हाँ, उसमें कोई खास चीज थी? अरे बाबू, तुमने क्या चीज है? अच्छा मैं समझा, कहीं से चुरा कर लाया है। अरे मगर वो डिब्बा तुमने क्या किया भाई? उसे काले कोने में फेंक दिया। अरे जल्दी आ। बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि काले कुएं में उतरना बहुत मुश्किल है, पानी बहुत है ना उसमें। बापू तुम फिक्र मत करो, मैं उससे पानी में उतर के और डिब्बा निकाल लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डब्बा तो मियां भी मिले गए होंगे। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि बनवारी लाल की दुकान पर जाके उन मियां दीदी का पता लगाओ। यानी कि मैं जाऊँ? मैं तब तक काले कुएं जाता हूँ। बेटा इधर इधर काले कुएं जाना है ना, तो ऐसा करते हैं, देखो हम मैं जाता हूँ पहले। बाबा मामू, बाबा मामू, क्या है क्या है बेटा, तुझे क्या हो गया है? काला कुआं? अबे हाँ काला कुआं, काले कुएं में जाना है, तुम्हें भी चलते हो? तो मैं भी चलूँ। पीछे पड़े हो, मैं कहता हूँ तुम डब्बा ले जाओ। मैं क्या करूँगी, यही रहने दो। ओहो, मेरा कहा भी नहीं मानती। ऐसा बुरा लगता है तो बाहर फेंक दो। बाहर कैसे फेंक दो? भाई साहब, भाई साहब जी कुछ नहीं, वो डब्बा। हाँ वो डब्बा, डब्बा वो डब्बा जिसके लिए आप अभी डब्बा डब्बा तो खाने का डब्बा है। अरे गोपाल, ओ गोपाल, अरे डब्बा मिला कि नहीं? अरे कहीं काला कुआं डिब्बे को ढूंढने की थे। अरे गोपाल बेटा, जल्दी चला, जल्दी चला डब्बा लेके। अरे मिलता कैसे नहीं, गोपाल जो है वो डब्बा ने मिले हैं। हाँ, जैसे तू नहीं ढूंढ के निकाला। नहीं नहीं, वाह डब्बा ना मुझे मिला काले कुएं के पास। अच्छा तुझे मिला? अरे यार काले कुएं में कौन उतरा था, तेरा बाप? हाँ मेरा बाप। बस बस बंद करो। देख लक्ष्मी, इस डब्बे को मैं संभाल के रखता हूँ, ससुराल जाते वक्त ले जाना। अच्छा बाबा, डब्बा मिल गया।
डब्बा मिल गया क्या? मिल गया डब्बा, तू तो चल। जी दूध पियो। आज बहुत खुश नजर आ रही, क्या बात है? जी मैं कहती हूँ बहन के पैसे में तुम्हारा भी तो हक है। जैसा कि तुम कहते हो कि उस डिब्बे के लिए कुएं में गए, तो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सच? अच्छा अभी जाके तू सो जा, मैं सुबह अपना हिस्सा मांगूंगा। जा जा। फिर तो मिल चुका तुम्हारा हिस्सा। मांगने से तो तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। मैं कहती हूँ अभी तो नोट उन्होंने गिने भी नहीं होंगे कितने हैं। चुपचाप जाके निकाल लाओ ना। देखो ना, एक अंगूठी तक तो तुमने मेरी छोड़ी नहीं, सारे के सारे जेवर मेरे ठिकाने लगा दिए। अरे भगवान, ठिकाने कहाँ लगा दिए? जुए में हार गया हूँ, जुए से तेरे बुंदे हंसली झांझा सब बनवा दूंगा, समझे? और वो तुझे बाजूबंद बहुत पसंद है ना, वो भी बनवा दूंगा, लेकिन हंस दे जरा, हंस दे। तो फिर जाओ ना। अच्छा जानता था तू यहाँ जरूर आएगा, इसीलिए मैंने डब्बा यहाँ नहीं रखा। तू ये समझते हो मैं डब्बा चुराने आया हूँ? चक्रता रखता हूँ। तो बेटा किस लिए आया था? मैं इसलिए आया था कि देखूं कि डब्बे में कितने रुपए रखे। वो तो मैं सुबह लक्ष्मी को बता दूंगा। उनमें मेरा भी तो कुछ हिस्सा है। किसका हिस्सा है वो लक्ष्मी जाने, वो उसकी अमानत है, उसमें किसी का हक नहीं, समझा? जा जाके सो जा। मैं सो जाऊँ, तुम बैठे रहो। हाँ बेटा सो जा और चाबी रखता जा। चाबी रख जाओ। लक्ष्मी की माँ, ले आए? क्या ले आए? वहाँ डिब्बा ही नहीं अलमारी में। काले में जो चाबी लगाई थी वो बुढ़ा जाग गया, उसने चाबी वहाँ रख ली, मुझे यहाँ भेज दिया, समझे? वो डिब्बा मुझे पता ही नहीं चला कहाँ रखा है। क्या समझ गई? तब तो उन्होंने उसे तलघरे में छुपा दिया होगा। आज तूने समझदारी की बात की है। मेरा ख्याल है फिर तो आज ही रात को काम हो जाना चाहिए। मुझे उसकी नीयत पे बहुत शक है, समझे? वो फूटी पाई नहीं देने वाला। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम मेरी बात मानते ही कब? अरे मैं तो तेरी सब बात मानता हूँ, फरमा क्या है हुक्म है? चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें ठीक दो बजे जगा दूँगी। भूल मत जाना, नहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझी? मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ लक्ष्मी की माँ, तुमने ठीक कहा था, मैंने अच्छा किया जो डब्बा और कहीं नहीं रखा, नहीं तो जुए में पहुँच गया था। मैं कहती हूँ एक बार जाकर गिन आओ, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा किसने कितने निकाल दिए। ठीक है ठीक है, थोड़ी रात और होने दो, तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हें जगा दूंगी। अच्छा कल तुम मेरे साथ बाजार चलना, मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीदूंगी, और तुम्हारे कपड़े भी तो फटे हैं। पहले मकान की मरम्मत करवानी है। वो तो होती रहेगी, यहाँ बिमला की शादी करनी है, इतना कर्ज अदा करना है, बबुआ के मुंडन करना है। मैं कहती हूँ इन सब चीजों के लिए पैसे अलग से निकाल के रख लेना। हम तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे रुपए हमारी है। हमारे नहीं तो और किसके? अरे जब लक्ष्मी हमारी है तो पैसे भी तो हमारे हैं। लक्ष्मी हमारी नहीं है। क्यों नहीं? बेटी हमेशा बेटी है, मैं जानती हूँ उसे कोई इतराज ना होगा, वो हमारी हालत खूब अच्छी तरह जानती है, इतना बड़ा घर है, हमें भी तो रुपयों की जरूरत है। लेकिन वो किशन को क्या जवाब देगी? और हाई किशन को क्या जवाब देना है? शादी के वक्त उसने करोड़ीमल को 2000 रुपया दिया था, वो वापस कर, मैंने लक्ष्मी से पूछा था, उसने कहा कि डब्बे को ठोकर सबसे पहले उसी के पाँव की लगी थी। अच्छा? हाँ। और तो और डब्बे पर नजर भी उसी की पड़ी थी। तो फिर किशन का क्या हक हो सकता? यही तो मैं कह रही हूँ कि ये सारे पैसे अपने हैं। अच्छा मैं सो जाता हूँ। सो जा सो जा, मुझे 2 बजे जगा दे। हाँ, हाँ जगा दूंगी। दो बज गए जी, उठो। अजीब 2 बज गए, उठो भी।
काम कर लो। अरे मुझे नींद ही कहाँ आ जाए। मैं तो जानती हूँ कि जब तक तुम जाकर एक बार नोट नहीं गिन लोगे तो मैं नींद। अरे तुम जाग रहे हो? नींद किसको आई है भगवान, बाकी तो सब सो रहे हैं ना। मैदान बिल्कुल सा है? अच्छा में जितनी रकम है उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है समझे। देख इसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी का हिस्सा है। अगर फिर से तुझे यहाँ देखा तो देख टांग तोड़ दूंगा। जाने तो मैं लिहाज कर रहा हूँ कि तुम मेरे बाप हो, तुम सबसे जाते हो ऊपर समझे, मगर मैं कह देता हूँ कि मैं इस डिब्बे की रकम हजम नहीं होने दूंगा। अबे जा जा। अच्छा चल चल। अबे चल ना। पहले तुम चलो। अबे चल ना। मैं चल रहा हूँ मगर मैं फिर कह देता हूँ कि मैं ये रकम हजम नहीं होने दूंगा। बकाया कब मिलेगा? अरे मिल जाएंगे जल्दी, आज ही काम फते होना चाहिए। हो जाएगा कहीं गलती ना हो। उन लोगों का प्रभु जब तक नहीं जगेगा तब तक मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती, समझा? बेफिक्र रहना सेठ, मेरा नाम बजरंग है। अरे मैं जानता हूँ। साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था, दूसरे बार नहीं। एक जीत बाबा चोरी। हाँ बेटा। मैं जाऊंगी बाबा। क्यों बेटा, तेरी माँ तो कह रही थी किशन तुझे लेने आएगा तब जाएगी। हाँ बाबा, सोचा तो मैंने ऐसे ही था, लेकिन कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है बाबा, मैं चली जाऊंगी। मेरा डब्बा दे दीजिए। डब्बा यहीं रहने दे बेटा, वहाँ ले जाएगी तो सब रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन वो पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कह देना कि तुमने हमारे पास छोड़ा है। और लक्ष्मी, सच पूछो तो वो डब्बा तुम्हारा रहा ही नहीं, तूने तो उसे कूड़े करकट में फेंक दिया था। अरे वो तो हम और गोपाल उसे कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आए। अब वो डब्बा तो हमारा हो गया। हाँ वैसे तुझे थोड़े बहुत रुपए चाहिए तो तू ले जा। क्यों, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बोल बोल, कितने रुपए चाहिए तुझे? मुझे रुपए नहीं चाहिए बाबा, मुझे डब्बा चाहिए। डब्बे के बिना मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी, वो क्या सोचेंगे? मुझे डब्बा दे दीजिए बाबा। बाबा बाबा, किशन बाबू आ गए। ओह आओ बेटा। राम राम बाबूजी। आओ बेटा आओ। अच्छा किया तुम आ गए। बैठो बेटा बैठो।
मैं बाबू बेटा बाबू के लिए गान दूध तो लिया जा लाता हूं। नहीं नहीं मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, अगर आप हाँ चले जाना, लक्ष्मी भी तो जाने के लिए तैयार है। माफ कीजिए मैं लक्ष्मी को ले जाने के लिए नहीं आया, मैं जरा वो। अच्छा बेटा खैरियत तो है? जी हाँ खैरियत तो है। मकान का क्या किया तुमने? मकान का कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात एक बहुत बुरी बात हुई, बिहारी दादा के डेरे में किसी ने आग लगा दी, सारा सामान जल गया और बस मुसीबत ही मुसीबत है। ओ, ओ, अगर ओ, आप वो मुझे मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। बाबूजी मैं जरा उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर। अजी सुनती हो, अंदर ले जाओ, बाबू आए हैं। जाओ बेटा तुम ही चले। अच्छी बात है, जाओ। आ गए बेटा। जी लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर है, जाता। अच्छा लक्ष्मी लक्ष्मी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो लक्ष्मी। देखो मजाक मत समझो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बातें करनी है। लक्ष्मी अच्छा दरवाजा नहीं खोलती तो एक बात सुन लो, कल रात बिहारी दादा के डेरे में आग लग गई, उन्होंने शादी के वक्त हमारी मदद की थी, अब हमारा फर्ज है उनकी मदद करना। लक्ष्मी वो डिब्बा मुझे वापस लौटा दो। डब्बा मेरे पास है बेटा। डब्बा आपके पास है? हाँ मुझे दे दीजिए, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है तुम्हें ये मैं आपको कैसे बताऊं? फिर भी जितने रुपए की जरूरत हो तुम्हें हम दे सकते हैं, वैसे जो तुम्हारे 2000 रुपए देने हैं तो ले जा सकते हो। लाला जी मैं हिसाब करने नहीं आया, मैं वो डिब्बा लेने आया हूँ लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी तो वो डिब्बा कब तक खो चुकी थी? अरे वो तो हम और गोपाल उसे कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आए, अब तो वो आपका हो चुका है। हाँ जी हाँ। फिर भी हम तुम्हें नाराज करना नहीं चाहते, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले जा सकते हो। लाला जी मैं इस तरह की भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं वो डिब्बा लेने आया हूँ। वो डिब्बा अब तुम्हें नहीं मिल सकता। अब मैं आपसे क्या बातें करूँ, मैं लक्ष्मी से मिलना चाहता हूँ। वो बेचारी अब तुम्हें क्या जवाब देगी? क्या घर की हालत नहीं जानती? मकान ठीक करवाना है, बिमला की शादी करनी है, गोपाल ने दुनिया भर से कर्ज ले रखा है। ठीक है समझ गया। जा रहे हो? हाँ। लक्ष्मी को नहीं लेते जाओगे? हाँ हाँ बेटा लक्ष्मी को नहीं लेते जाओगे? नहीं, वो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे यहाँ जाने के लिए निकल रही थी। क्यों जी? सच है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन डिब्बा लेकर। अरे रखना दूध। Thank you.
एक लाख? क्या कह रहा है जयराम, एक लाख? सरकार कसम इस उस तरह की मैंने अपनी आंखों से देखा है। जल्दी कर राजा, जल्दी कर। अरे सरकार एक हाथ तो जाने दीजिए। अरे अरे मुझे जाना है। अरे सरकार छूटी रह गई। एक लाख 420? नहीं नहीं नहीं, 1,420। बिहारी हो? बिहारी कहाँ? बिहारी दादा? ओ बिहारी दादा, बिहारी हो? ओ बिहारी। ये क्या हो पाए सेठ जी? अरे बिहारी, ये सब क्या हो गया है? क्या बताएं सेठ जी, हम तो बर्बाद हो गए। अरे 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 बिहारी, अरे क्यों बेटे को बाप से जुदा करता है तू? कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा लाल? वो देखिए वो आ रहे हैं। किशन मेरे लाल, कैसा है तू? अच्छा हूँ। मैं तुझे लेने आया हूँ। मैंने कसम खा ली है, जब तक तुझे घर वापस न ले जाऊंगा, न मैं खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। बाबूजी मैंने भी कसम खा ली है कि मैं अपने गरीब दोस्तों का साथ नहीं छोड़ूंगा। उनका सब डेरा जल गया है, ये लोग बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तू मेरा बेटा है वैसे ये सब मेरे बेटे हैं। तू सबको ले जाए मेरे साथ घर ले चले। कोई बात नहीं। बाबूजी क्या कह रहे हैं? अरे सच कह रहा हूँ मैं, चल मेरे साथ। प्यारी दादा, अरे चलो चलो, सेठ करोड़ी माल की जय। आइए आओ, तो आओ आओ, चलो चलो आओ आओ आओ। ओ किशन जरा यहाँ तो आ गया। जय बाबू जी, आ जाए आ जाए। देखो एक एक आदमी ले लो लड्डू। बाबू जी वो बाजे वाले आए हैं ना, उनको पैसे दे लेना बाजे के। हाँ बेटा मैं कर दूंगा, ये तो मैं फिक्र मत करना। जरा बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। मुझसे? हाँ बोलिए। देख जरा कोई बाहर है तो नहीं, जरा करीब देख। नहीं करीब तो कोई नहीं, लेकिन दूर है। बड़े दूर रहने दे, उनकी फिक्र नहीं। देख ये सारी माया मैंने तेरे लिए जोड़ी है। हाँ ये सब तेरी है। हाँ तेरी है बेटा। देख अब तेरी शादी हुई है, बाल बच्चे होंगे, अब ये सारा कारोबार तुझे ही संभालना होगा। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब ये नाटक नौटंकी ये तो सब चलती रहेगी, और ये तो सब शौक की चीज है, लेकिन काम धाम भी देखना पड़ेगा। अच्छा समझा। अच्छा बताइए कि मैंने सुना है तुझे कुछ रुपये मिले हैं। रुपये? हाँ नहीं तो नहीं। बाबू बाबूजी हम लोग जा रहे थे ना बिमला के मंगनी में, तो रास्ते में हमें एक डिब्बा मिला और उस डिब्बे में नोट ठसा ठस भरे हुए थे। ठस भरे हुए थे? दस दस के थे। दस दस के थे लेकिन थोड़े से नोट थे, लेकिन सौ सौ के बहुत से नोट। सौ सौ के थे? छोटा छोटा था डिब्बा, नहीं तबड़ा नहीं था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। लेकिन कहाँ है बेटा वो डब्बा? लक्ष्मी के मायके में है बाबूजी। लक्ष्मी के मायके में? वो क्यों, डब्बा तो तुझे मिला? मुझे मिला लेकिन वो मायके में है। अरे डब्बा तो तुझे अपने साथ रखना था बेटा, जानता नहीं जमाना कितना नाजुक है, कितना बुरा है? ये तो जानता हूँ बाबूजी, जमाना कितना बुरा है, लेकिन मैं लेने जब गया तो वो गंगाराम उसके ऊपर कब्जा जमाया हुआ बैठा था। अरे वो कब्जा जमाने वाला कौन? तो तुझे मिला था, अब कब्जा जमाने वाला वो कौन? और लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा? लक्ष्मी नहीं, वो तो मेरे सामने भी नहीं आई। हाँ देख बेटा, वो सब मिली जुली भी है। हम दोनों को वहां जाकर डब्बा कब्जे में लेना ही पड़ेगा। ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा बेटा तू जा, उनके खाते दादर कर जरा। जा 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 जा। एक लाख। आप तो जानते हैं कि उसका लड़का कितना शरीफ है। अरे गंगाराम, ओ गंगाराम कौन है? ओहो सेठ करोड़ी मल जी। हाँ कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? ओहो जैसे जानता ही नहीं मैं क्यों आया हूँ। क्या हो गया तुझे? प्यार ने किया, मैंने किया। हाँ ठीक है, मैं समझा नहीं। देखा राजा राम, मेरे बेटे की 1,00,000 की रकम दबा दी और कहता है मैं समझा नहीं। सीधी तरह से वो डब्बा निकाल वरना करोड़ी माल। अब वो दिन नहीं रहे जब तुम हमारे पास कर्ज वसूल करने आते थे, हम तुम्हारी धमकियां सह लेते थे, समझे? चले जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हारे बेटे का कोई डब्बा नहीं। चल जाओ, तुम्हारे बेटी ने उसे तुम्हारे पास ला कर रखा है। गंगाराम मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ,
तूने मेरे बेटे को उल्लू बनाकर उससे 2000 रुपए निकाले, अपनी बेटी उसके गले में बांधी, अब उसके 1000 रुपए हड़प करना चाहता है। कौन सरकार? 1 लाख रुपया। हाँ, 1 लाख रुपया हड़प करना चाहता है। क्या कहा? जबान संभाल कर बोलो सेठ जी। तुम समझते हो कि हमारी लड़की को दूसरा लड़का ही ना मिलता? इतनी ही भारी लगती है हमारी लड़की तो यहाँ रहने दो, हम गरीब सही लेकिन उसे भूखा ना रखेंगे। हाँ हाँ, अब तो तुम उसे खीर खिला दी। ऐसी बहू को कौन अपने घर में घुसने देगा जो अपना घर खाली करके माँ बाप का घर बने। मेरे लिए तो मेरा किशन कुंवारा है, मैं उसके और कहीं शादी कर दूंगा। और मैं समझूंगी मेरी लड़की विधवा हो गई। ये तो क्या कह रही माँ बुरा, इसकी हिम्मत तो देख क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे घर में आकर, और ये चुपचाप सुन रहे हैं। गोपाल, ओ गोपाल, फिर करोड़ी मल जी आए हैं। करोड़ी मल आए? डब्बा लेने आए। हाँ, डब्बा लेने आया हूँ। क्यों बस सेठ, करोड़ी मल के बच्चे कैसा डब्बा चाहिए? दूर से बात कर, हम तुझसे हाथापाई करने नहीं आए, हम बात करने आए। अब तो जम के बात करिए, नाच क्या रहा है तू? है जगह तू अपने बेटे को समझ, और यहाँ पे कल तक मेरा डब्बा वापस नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। सरकार मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अकेले जा रहे हैं, मुझे तो नहीं। आप यहाँ बैठे हुए हैं जी? सरकार हजामत बना दूँ? हजामत? मैं आपकी हजामत बना दूँ? सरकार घबराइए मत, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। सरकार मुझे जाता ही नहीं है। दौलतमंद बनाया मुझको धन वालों में नाम हुआ, लेकिन दौलत पाकर यारो क्या मेरा अंजाम हुआ, है क्या मेरा अंजाम हुआ। आदत पड़ गई पीने की और रहने लगा मैं चोर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। जैसे ही दासारदम पीते हैं शराब की, देखिए फिर होते हैं क्या क्या जी हाल जनाब की, क्या क्या जी हाल जनाब की। चाहते हैं छम छमा छम नाचे कोई हूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। दौलत वालों की है दुनिया का कसूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। की बुराइयां लाती है दौलत साथ में, यार नए बन जाते हैं जब दौलत होती हाथ में, जब दौलत होती हाथ में। दौलत नाच नचाए हमको, हम हो गए लंगूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। दौलत बुरी चीज है, दौलत से रहना दूर जी। किशन बेटा, किशन इधर। क्या है बाबूजी? अरे क्या तू यहाँ नाच तमाशा करता बैठा है? अब वहाँ हम लुट गए। क्यों, क्या हुआ? मैं अभी गंगाराम के घर से आ रहा हूँ,
उसने रुपयों पे कब्जा कर लिया है। ये तो मैंने पहले आपसे कहा। अरे तू क्यों फिक्र करता है, मैं कल पुलिस वालों को ले जाता हूँ और देखता हूँ कैसे डब्बा नहीं देता है। लेकिन तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, मुझे भी चलना होगा। आओ बैठो। अरे सरना क्यों रहे हो, बैठो ना। आपने मुझे बुलाया मैं आ गया। हाँ, तुमसे जरूरी बात कहनी थी मुझे। लक्ष्मी की बात, कुछ पान वान भेजूं? वैसे मैं तुम्हारे पिता से कह देता, लेकिन फिर मैंने सोचा तुम ही से कह देना ठीक होगा। बेटा तुम तो जानते हो, शादी ब्याह के मामले में अच्छा घर देखा जाता है। वैसे तुम्हारी और बिमला की सगाई हुई उस वक्त हमारे तुम्हारे घर में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से हमारी हैसियत बदल गई है, यानी कि बढ़ गई है। तुम मेरा मतलब समझ गए होगे, यानी कि ये रिश्ता ठीक नहीं लगता। लक्ष्मी की माँ, अरे तुम भी तो कुछ कहो। मैं यानी के सब कुछ तो कह दिया, अब और क्या करना है। देखो राजू बेटा, अब हम बिमला की शादी किसी अच्छे पैसे वाले घराने में करेंगे। तुम बिमला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन आप तो जानते हैं हमारी मंगनी हो चुकी है, और फिर हम एक दूसरे से। वो तो सब ठीक है, मंगनी तो कभी टूट सकती है, और फिर हमें भी तो अपनी लड़की के सुख का ख्याल रखना है। मेरा ख्याल है बिमला ये सुनकर कभी खुश ना होगी। अरे उसकी खुशी और नाखुशी की परवाह तुम मत करो बेटा, हम देख लेंगे। अच्छा बेटा तुम जाओ, सिर्फ इतना ही कहना था तुमसे। अफसोस न करो बिमला, मैं बाबूजी को समझाऊंगी। तुम्हारी शादी राजू से ही होगी। मुझसे ना बोलो दीदी, दूर हो जाओ। ये सब कुछ तुम्हारा किया कराया है ना, तुम दिव्या लाती ना इस घर वाले। तुम तो जानते हो मेरा कोई दोष नहीं, फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। बोलो, तुम्हारे दरबार में तो हमेशा इंसाफ हुआ है भगवान। मेरे पति, मेरे बाबा, मेरे भाई बहन सब ने मुझसे आंखें फेर ली। मैं सबको बुरी लगती हूँ। क्यों? इसीलिए ना कि वो नोटों से भरा हुआ डिब्बा मुझे मिला। मैं उसमें आग लगा दूंगी, मैं उसमें आग लगा दूंगी, उसमें आग लगा दूंगी। बाबा, जरा दो नोटों को मेरे आंखों के सामने, ना वो मेरे रहेंगे ना तुम्हारे। बाबा, उन नोटों को हमेशा के लिए खत्म कर दो, इससे तुम्हारी आंखें फिरेंगी। जिसके लिए बिमला की जिंदगी बर्बाद हो रही, जिसके लिए मेरे पति, जिसके लिए मेरे पति मुझे भूल जाना चाहते, मुझे मरा हुआ समझते, जिसके लिए मेरी माँ मुझे सहारा ना दे विधवा समझती है। बाबा, हम सब कितने सुखी थे उस डिब्बे के बगैर। बाबा, वो डिब्बा नहीं आता। मुझे रुपए चाहिए। कैसे रुपए? कैसे रुपए छूटा, परेशान हो गया हूँ समझे। मुझे इनसे रुपए देने, अगर रुपए नहीं दूंगा तो मेरी जान ले लेंगे। अच्छा ही ले, तुम जैसे दवाई हम निकल मिल जाते का मरता है। ठीक है, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे दवाई में रुपए बोल रहे हो। क्या कहो, क्या दिखाना? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबा, चला दो उन नोटों को। चला दो? कौन चला सकता है मेरे नोटों को? शनिदास साहब, यही है वो बदमाश
जिसने मेरे बेटे के नोट दबा रखे हैं। अरे किसान, ओ किसान, राजा राम कहाँ मर गए दोनों? छोटे सरकार चलिए ना, आपको बुला रहे हैं, आइए। नहीं राजा राम, मेरे पैर नहीं उठ रहे। लक्ष्मी को मैं मुंह नहीं दिखा सकता, वो समझेंगी कि मैं उसके बाप को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस ले आया हूँ, और वो भी पैसों के लिए। तो काम चलिए ना, चलिए। नहीं मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं जी, आपका दिमाग खराब हो गया। क्यों सर साहब? ये नोट सब झूठे हैं। झूठे हैं। अरे भगवान, मैं लूट गया भगवान। राजा राम सर, मैं लूट गया। ये सारे नोट झूठे हैं राजा राम। रुपये के पीछे भागे भगोड़े, भागते हैं जैसे रेस के घोड़े। कसमें भी तोड़ी, वादे भी तोड़े, अरे लानत है हम पर के निकले निगोड़े, निकले निगोड़े। रुपये ने क्या क्या गुलना खिलाए, रुपये ने क्या क्या गुलना खिलाए, अपने भी होने लगे थे पराए। नोटों का तो था इतना भारी, नोटों का तो था इतना भारी, लगे डूबने थी मोहब्बत की नैया, मोहब्बत की नैया। सबसे बड़ा है कि सबसे बड़ा है, बड़ा है रुपया है। जब देखा के नोट है झूठे, कितनों के दिल टूटे। जब देखा के नोट है झूठे, कितनों के दिल टूटे। मेरा टूटा तेरा टूटा, इनका टूटा उनका टूटा, सबका टूटा सबका टूटा, सबका टूटा सबका टूटा। पर बड़ा मजा तो उसने लूटा, जिसने समझा माया झूठी, दौलत झूठी, पैसा झूठा। झूठा रुपया रे, सबसे बड़ा है कि सबसे बड़ा है, बड़ा है रुपया रे। सबसे बड़ा है मगर सबसे झूठा, झूठा रुपया रे। नोट है झूठे, बिल्कुल झूठे। कौन कहे ये नोट है झूठे, सच पूछो वो नोट है झूठे, बाबू जी वो नोट है झूठे। वो कौन? जिसने भरी थी चोरी बाबू, जिनकी होती चोरी बाबू, जिनसे सारी दुनिया बदले, थाली बदले, लोटा बदले, चप्पल बदले, जूता बदले, साहब बदले, बनिया बदले, साधु बदले, गुंडा बदले, जिनसे सारी दुनिया बदले, वो है झूठे, वो है झूठे, वो है झूठे। लेकिन बाबू ये है सच्चे, ये है सच्चे। अरे कैसे सच्चे, कैसे सच्चे? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, बड़ा है।
झूठा रुपया रे, सबसे बड़ा है जी सबसे बड़ा है, बड़ा है रुपया रे, सबसे बड़ा है मगर सबसे झूठा झूठा रुपया रे।